जय श्री तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र परमागमस्य जीवं निषेध जात्यंध सिंदुर विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मतनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मतनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की चरणानुयोग की सुंदर रचना, श्रावकों के आचरण का वर्णन करने वाला यह ग्रंथ। और आज हम अब तक चली आ रही पिछले कई दिनों की चर्चा का संकोच कर रहे हैं और निष्कर्ष में ये कह रहे हैं आचार्य देव कि भाई इनके त्याग किए बिना श्रावक नहीं होता। श्रावक पदवी के लिए, श्रावक होने के लिए, श्रावक कहलाने के लिए, यदि आप अपने आप को श्रावक कहलवाना चाहते हैं तो कम से कम इन 8 वस्तुओं का त्याग तो अवश्य करें। श्रावक के मूल गुणों की चर्चा चल रही है। मूल माने होता है जड़, मूल माने होता है मुख्य, मूल गुण, जो गुण जड़ में रहते हैं, जो गुण नीचे रहते हैं, जो गुण बेस हैं, जो गुण नींव में मौजूद हैं, उन गुणों का नाम है मूल गुण। उन गुणों को कहते हैं मुख्य गुण। ये श्रावक के होते हैं 8 और बाकी सब के अलग अलग कहे गए हैं। अरहंत भगवान के जैसे 46 मूल गुण कहे हैं, सिद्ध भगवान के 8 कहे हैं, आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण कहे हैं, उपाध्याय परमेष्ठी के 25 और साधुओं के जिस तरह से 28 मूल गुण कहे गए हैं, ठीक उसी प्रकार गृहस्थों के और श्रावकों के भी 8 मूल गुण कहे गए हैं। 8 के नाम आप लोगों को याद हो चुके हैं। हम यहाँ विशेष रूप से चर्चा करते हुए मध्य की चर्चा विस्तार से कर चुके हैं, मांस की चर्चा विस्तार से कर चुके हैं और कल के प्रकरण में मधु की चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से की जा चुकी है। मध्य माने शराब, मांस नॉनवेज और मधु माने हनी, इन तीनों प्रकार के अवक्षों के त्याग की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो जाने के उपरांत अब यहाँ आचार्य देव पंच उदंबर फलों की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर है 103, श्लोक नंबर है 72। 5 उदंबर फल के दोष बतलाते हैं। 5 प्रकार के उदंबर फल कहे गए हैं, बड़, पीपल, उमर, कठुमर, पाकर, और इन 5 प्रकार के फलों में किस प्रकार के दोष होते हैं उसे यहाँ बतला रहे हैं। 103 पेज पर नीचे श्लोक दिया हुआ है। एक और बात, मैं कल ये जो फुटनोट में आ गई थी ना बात, मक्खन को दही में से निकालने के बाद अंतर्मुहूर्त में ही तपा लेना चाहिए, ये जो फुटनोट में दी हुई है, ये फुटनोट में है, इससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये टोडरमल जी का वाक्य तो नहीं है। और 22 प्रकार के अवक्षों में मक्खन को अभक्ष्य की श्रेणी में रखा गया है, तो इसलिए इसको यहाँ बहुत सावधानी रख करके इस बात को अपने को समझना चाहिए। देखिए, क्योंकि मूल श्लोक में जो चर्चा थी 71 नंबर वाले श्लोक में, वहाँ 4 चीज़ों को एक समान रूप से अभक्ष्य कह करके पुकारा था, 4 मकार कह दिए गए थे, मध्य, मांस, नहीं क्या क्या था, मधु, मध्य, मक्खन और मांस। तो अपन उसमें से मक्खन को अलग निकाल ले हैं अपने रसना इंद्रिय के लोभ की वजह से, तो ये थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा है। सोचिएगा, विचार कीजिएगा, और मूल में है नहीं, मूल में श्लोक में भी नहीं है और टीका में भी नहीं है, भावार्थ में भी नहीं है, कहीं भी फुटनोट में दिया है, तो शायद ही अतिरिक्त इसे जोड़ा गया है। 5 उदंबर फल के दोष बतलाने वाला श्लोक प्रारंभ कर रहा हूँ। यो निरुदुम्बर युग्मम् लक्षण्यग्रोध पिप्पल फलानि
त्रस जीवानां तस्मात् तेषां तद्भक्षणे हिंसा। अन्वयार्थ, उदुम्बर युग्मम। उदुम्बर युग्मम कौन होते? उदुम्बर, उमर और कठुम्बर को कहते हैं उदुम्बर युग्म। युग्म माने होता है जोड़ा, दो। प्लक्ष्यन्यग्रोध पिप्पल फलानी, पाकर माने अंजीर, फिग, फिग कहते हैं अंजीर, बड़ के फल और पीपल वृक्ष के फल, बड़ और पीपल वृक्ष के फल, और पाकर कह दिया अंजीर, फिग। त्रस जीवानाम, त्रस जीवों की योनि खान है, तस्मात तद भक्षणे, इसलिए उनके भक्षण में, तेषाम हिंसा, उन त्रस जीवों की हिंसा होती है। देखिए क्या कह दिया, सरल अर्थ, पांच प्रकार की चीजें हो गई यहाँ। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, बहुत सारे लोग पहचानते नहीं हैं कि क्या है ये उमर कठुमर पाकर, ये क्या होते हैं, ये पहचानने में नहीं आते हैं। मैंने अभी शाम को हमारे अनिल जी को कह करके, जो टेलीग्राम ग्रुप है उस ग्रुप के ऊपर, ये पांचों प्रकार के उदुम्बर फलों की पिक्चर्स, फोटो इन सब की, उनके शायद इंग्लिश नाम भी हैं, और उन सबको अभी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डलवाया है। आप लोग वहाँ से उसे देख सकते हैं कि आखिर ये उमर क्या होता है, ये कठुमर क्या होता है, ये अंजीर का फल क्या होता है, बड़ और पीपल, ये पाकर क्या होता है, ये भी देखने को चाहिए आपको। और ये बड़ और पीपल क्या है, ये तो जानते ही होंगे, पीपल के वृक्ष तो जगह जगह होते हैं, बड़ का पेड़ लगा हुआ होता है, तो बड़ का पेड़ और पीपल का पेड़, ये दो तो प्रसिद्ध हैं, बड़ और पीपल का। तो बड़ है ना, बट वृक्ष जैसे बड़, बड़, तो बड़ का वृक्ष और पीपल का वृक्ष, उन वृक्षों में लगने वाले जो फल हैं, उन फलों के सेवन में भी त्रस जीवों की हिंसा का पाप लगता है। क्या ख्याल में आ रही है बात? तो ये पांच प्रकार के यहाँ कह दिए गए हैं भाई, तो अपन इनके बारे में पढ़ते हैं अभी कि इनके भक्षण करने में, इनके खाने में त्रस जीवों की हिंसा का पाप लगता है, माने मांसाहार के पाप बराबर हो गया। एक तो हो गया प्योर मांस, और दूसरा हो गया मांसाहार जैसा, क्योंकि इसमें भी त्रस जीवों की हिंसा है ना, तो ये मांसाहार जैसा हो जाएगा। इनके चित्र जो डलवा दिए गए हैं आप वहीं से देख पाएंगे, हम कोशिश कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर भी डलवाने की, ये यहाँ तो डालना संभव नहीं है, और टेलीग्राम पर देख ले तो ज़्यादा बेटर है ना, फिर भी कोशिश करेंगे व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर डालो, अपने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक और इसके जो ग्रुप है उनके ऊपर डाल देंगे। टीका पढ़ते हैं हम लोग, उदुम्बर युग्मम प्लक्ष्यन्यग्रोध पिप्पल फलानी त्रस जीवानाम योनि है। उदुम्बर और कठुमर, उमर और कठुमर दो नाम थे ना ये, उदुम्बर और कठुम्बर, और ये तो हो गए दो, तथा पाकर माने हैं अंजीर, ये पाकर शब्द का अर्थ है अंजीर, पिपल पीपल एक ही बात है, बड़ और पीपल के फल ये तीन, माने उमर कठुमर तो हो गए दो, और पाकर बड़ और पीपल ये हो गए तीन, ये सभी त्रस जीवों की योनि है, ये सब त्रस जीवों की योनि, मतलब समझ गए आप, उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। गोमट सार के अंदर एक जीव समास वाला चैप्टर दिया है, उस जीव समास वाले चैप्टर में लास्ट में योनियों का प्रकरण है, 84 लाख योनियां बतलाई है, एक आकार योनि कही है, एक गुण योनि कही है। तो गुण आकार योनि में तीन प्रकार की योनियां कही गई, एक शंखावर्त, एक कुर्मुन्नत, एक वंशपत्र, ये तीन प्रकार की योनियां। तो जो शंखावर्त योनि है, वो शंखावर्त योनि का आकार शंख जैसा होता है, उस योनि में गर्भ नहीं ठहरता, वो शंखावर्त है। एक है कुर्मुन्नत, तो कुर्मुन्नत जो योनि है वो योनि होती है कछुए की पीठ के समान उभरी हुई, इसमें महापुरुषों का जन्म होता है,
तीर्थंकरों का, चक्रवर्तियों का, नारायण प्रतिनारायण का, इनका जन्म जिस योनि में हो वो है कुरुन्नत। तीसरी है वंश पत्र, इसमें साधारण मनुष्य त्रियंशियों का जन्म होता है, ये कुरुन्नत योनि है। तो ये तो हो गए आकार की अपेक्षा से वंश पत्र में साधारण लोगों का जन्म होता है। तो ये हो गई तीनों आकार की अपेक्षा से। फिर नौ प्रकार की योनियां कही है तत्वार सूत्र दूसरे अध्याय का 32वां सूत्र है, उसमें नौ प्रकार की योनियां कही है, सचित्त शीत संवृत्ता सेतरा मिश्राश्चैकसस तद्योनय है, नौ प्रकार बतलाए हैं, नौ प्रकार। और इन्हीं गुण योनियों के जब विस्तार में जाते हैं तो फिर 84 लाख योनियों की चर्चा करते हैं। हम कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकता है ये जीव, 84 लाख योनियों में। तो वो सचित्त योनि, शीत योनि, अब योनि शब्द का अब जैसे समझ लीजिए आप, हम जहाँ बैठे हुए हैं ये लकड़ी भी योनि हो सकती है, इस पत्थर के कॉर्नर में भी जीव जन्म ले सकते हैं, उसका नाम भी योनि है। आइस में जो जीव जन्म लेते हैं, बर्फ में जो चीज जीव जन्म ले रहे हैं उनकी शीत योनि है। अग्नि के अंदर या उष्ण प्रदेशों में जो जीव जन्म ले रहे हैं उनकी उष्ण योनि है। तो उत्पत्ति स्थान का नाम योनि होता है। यहाँ इन्होंने कहा कि ये त्रस जीवों की योनि है, माने बर्ड, पीपल, उमर, कठुमर और पाकर, ये जो पांच प्रकार के फल कहे हैं, ये पांचों प्रकार के फल त्रस जीवों के उत्पत्ति के स्थान हैं। क्या इनमें उड़ते हुए जीव दिखाई पड़ते हैं इन फलों में? ख्याल में आ रही है बात? इनमें उड़ते हुए से जीव दिखाई देते हैं, जैसे बड़ का फल है, अब जैसे उस फल को तोड़ा तो फल के टूटते ही, जैसे ही फल टूट गया तो फल के टूटते ही उसमें से ऐसे 4 इंद्री जीव उड़ते हुए नजर आएंगे आपको। पीपल का फल है तो पीपल के फल में भी जैसे ही उसको तोड़ा आपने तो तोड़ते ही उसके अंदर से उड़ते हुए नजर आएंगे। तो त्रस जीवों की हिंसा का पाप उसमें लगता है। तस्मात् तद भक्षणे तेषां हिंसा भवति, अतः इन पांच वस्तुओं के भक्षण में उन त्रस जीवों की हिंसा होती है। यदि कोई कहे कि इन पांच उदुम्बर आदि फलों में त्रस जीव न हो तब तो भक्षण कर ले, तो तर्क है भाई साहब सामने वाले के, इसमें क्या है? माने कोई व्यक्ति ये कह रहा है साहब इनमें नहीं हो तब तो कर सकते हैं ना, इनमें नहीं है, मान लीजिए त्रस जीव नहीं दिख रहे हैं हमारे को, या खोल लिया हमने या उड़ गया, अब तो खा ले में उसको, अब क्या दोष है बतलाओ? तो ये कह रहे हैं भाई, यानि तु पुनर्भवेयुः कालो छिन्न त्रसानि शुष्काणि भयतस्तान्यपि हिंसा विशिष्ट रागादि रूपा स्यात्। 73 नंबर श्लोक है, अन्वयार्थ। तू पुनः यानी, और फिर ये पांच उदुम्बर फल, शुष्काणी सूखे हुए, कालो छिन्न त्रसाणी समय बीतने पर त्रस रहित भवेयु हो गए हो, भाई समय बीत जाता है ना, सूख जाते हैं, जब इनमें समय निकल गया तो वे सूख गए, और सूख गए तो वे जीव मर गए, अब वे जीव नहीं है उनमें। क्या तानी अपि भजते हैं, उनके भी भक्षण करने वाले को विशिष्ट रागादि रूपा, विशेष रागादि रूप हिंसा स्यात, हिंसा होती है। भाई साहब कुल मिलाकर के अमृत चंद्राचार्य देव आपको उसी तरह से ले जाना चाह रहे हैं कि सुनो विकल्प मत करो, उल्टी सीधी बातें मत सोचो। जब तुम्हें कह दिया ना कि ये पांच प्रकार के फल खाने योग्य नहीं है, ये जैनी के खाने योग्य नहीं है, ये श्रावकों के सेवन करने योग्य नहीं है, तो अपनी डेढ़ अकल क्यों लगा रहे हो? सूख जाए तो खा ले वे, ऐसे खा ले तो खा ले वे, ऐसे प्रश्न करने से स्पष्ट ख्याल में आ रहा है तुम्हारे हृदय में विशेष प्रकार का राग वर्त रहा है, और राग भाव की जो हिंसा है उसे महाहिंसा पहले कह दिया गया, राग भाव वाली हिंसा है ना, राग वाली हिंसा किस प्रकार, तेरे चित्त में बार बार में खाने के प्रति जो राग क्यों उमड़ रहा है? पता है जब रात्रि भोजन के दोषों की चर्चा करेंगे, रात्रि भोजन के दोष बतलाए जाते हैं, तो वहां भोजन के संबंध में
ग्रद्धता का निषेध करते हैं। क्या भोजन के बारे में जो आपकी ग्रद्धता है, भोजन के बारे में जो आपकी आसक्ति है, भोजन के बारे में जो आपको लगता है नहीं यार खाई लो यार खाई लो यार, मतलब अपना राग नहीं टूट रहा है रात्रि में भोजन करने के प्रति, उस राग भाव में महाहिंसा का दोष लगता है। असली पाप असली हिंसा तो राग से होने वाली हिंसा है, असली हिंसा तो कषाय भाव से होने वाली हिंसा है, असली हिंसा तो विकृत परिणामों वाली हिंसा है। इसलिए सूखे हुए का विकल्प मत कीजिए। सज्जन भाई ऐसा कहते हैं लोग आलू के संदर्भ में इस तरह की बातें करते हैं कि साहब इसके चिप्स बना लो सुखा लो इसको, आलू सूखता नहीं है ध्यान दीजिएगा। मूल में आलू रखा हुआ हो ना आपके पास में, वो आलू कभी नहीं सूखेगा, इसी कारण वो 12 महीने मिलता है। अनंत जीवों का उत्पत्ति स्थान है आलू, तो अनंत जीव जन्म लेते हैं उस आलू में। इनमें भी असंख्यात जीव तो हैं, एक त्रस जीव के शरीर में कितने निगोदिया जीव हैं, अनगिनती जीव उसमें उत्पन्न होते रहते हैं, मांस है वो। देखिए सूखे हुए समय बीतने पर त्रस रहित हो गए हों, उनके भी भक्षण करने वाले को विशेष राग रूप हिंसा होती है, माने राग परिणामों रूपी हिंसा से आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए राग भाव की हिंसा ज्यादा खतरनाक हिंसा है। देखिए फिर टीका में इसी बात को थोड़ा सा और समझाया है और कहा है। देखिए ये श्लोक तो पहले याद ही होगा आप लोगों को, अपराधुर्भाव है खलु रागादि नाम भवत्य हिंसे थी तेषाम एव उत्पत्ति हिंसे थी जिनागम से संक्षेप है। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना ये हिंसा है, और रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना ये अहिंसा है। माने हिंसा और अहिंसा की ये जो व्याख्याएं हैं, ये व्याख्याएं तो मूल व्याख्या है, मूल परिभाषाएं ये तो। देखिए टीका, तु पुनः यानी शुष्काणी कालोच्छिन्न त्रसाणी भवेयुः तानि अपि भजतः हिंसा स्यात्। फिर जो 5 उदंबर आदि फल काल पाकर त्रस जीव रहित शुष्क हो गए हो तो भी उन्हें खाने वाले को हिंसा होती है। अब तू नहीं मान रहा है तुझे सूख गए हो या बिना सूखे हुए हो, हमने तो कह दिया हिंसा का पाप लगता है। अब इतना कहने पर भी यदि तू नहीं माने तो नहीं मानना है तो तेरी होना रही ऐसी है, फिर क्या कहें हम बताओ। जब इतनी बातें कह देने के बावजूद भी आप उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो, हमने तो कह दिया हिंसा का पाप लगता है, बस मां हिंसा है उसके अंदर, विशेष राग भाव से हिंसा होती है उसके खाने से, शुष्क हो गए हो तो भी हिंसा का पाप लगता है। और कौन सी हिंसा का, त्रस जीवों की हिंसा का पाप लग रहा है। त्रस जीवों की हिंसा के पाप का मतलब समझे क्या आप, क्या है त्रस जीवों की हिंसा के पाप का मतलब होता है दुर्लभ लही जो चिंतामणि, उस चिंतामणि रत्न को छीन लेने जैसा पाप। सूखे हों चाहे गीले हों, कई लोग ऐसा कह सकते हैं कि साहब अदरक है हल्दी है ये सूख जाने के बाद में काम ले लेते हैं ना, तो जिनागम में स्पष्ट रूप से अदरक और हल्दी के बारे में उल्लेख है कि वो सूख जाने के बाद में सौंठ बन जाती है, अदरक काष्ठवत हो जाती है, वो लकड़ी जैसी हो जाती है। जो अपने हल्दी है, गीली हल्दी अभक्ष्य है, गीली हल्दी जमीकंद है, और क्या कहा दूसरा अदरक जिंजर, ये भी यदि गीली है तो वो अभक्ष्य है, वो अनंत काय है, बहुघात का उसमें दोष लगता है। 5 प्रकार के मूल अभक्ष्य कहे जाते हैं, त्रसघात बहुघात अनुपसेव्य नशाकारक अनिष्ट, ये 5 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं। तो बहुघात कौन होते हैं जिनमें बहुत सारे जीवों का घात हो, त्रसघात कौन उससे होते हैं जिनमें त्रस जीवों का घात हो। तो ये जो प्रकरण अपना यहाँ चल रहा है ये त्रसघात संबंधी प्रकरण चल रहा है। श्रावकों के लिए सर्वप्रथम ऐसी वस्तुओं का त्याग कर देने योग्य है जिनमें त्रस जीवों की हिंसा होती हो, सबसे पहले नंबर पर, इनके बिना श्रावक पना नहीं हो सकता। देखिए मूल गुणों में, श्रावक के मूल गुणों में, अष्ट मूल गुणों में 5 उदंबर फल मध्य मांस और मधु, इन 8 की बात कही ना,
श्रावक के अष्ट मूल गुणों के अंदर या कोई ज्यादा मूल गुण बतला करके आलू के त्याग की बात तो नहीं कही, गाजर मूली के त्याग की बात तो नहीं कही। गलत अर्थ नहीं समझना भाई साहब, श्रावक जमीकंद का सेवन नहीं किया जाना चाहिए श्रावक के द्वारा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन मूल गुणों में तो उसे शामिल नहीं किया है। तो मूल गुणों में किनको शामिल किया? कि जिन पदार्थों के सेवन करने में त्रस जीवों का घात होता हो उनके निषेध की यहां बात कही गई है। बहुत सारे प्रश्न लोगों के उठते रहते हैं, ये खाएं कि नहीं खाएं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। भाई साहब चरणानुयोग का ग्रंथ है, अभी तो चरणानुयोग की चर्चाएं इसी चैप्टर से प्रारंभ हुई है, आप लोग धैर्य पूर्वक नियमित सुनते रहें, आपको एक एक विषय आता जाएगा। अभी बाहुघात की चर्चाएं करेंगे, फिर जमीकंद आदि की चर्चाएं करेंगे, फिर कंदमूल आदि की बातें बतलाते रहेंगे जैसी जैसी है, तो बातें बहुत आने वाली है। अभी आज ही सब कुछ सीख लेंगे तो फिर कल क्या करेंगे। अमृत चंद्राचार्य के साथ साथ में चलते रहें। यहां जो प्रकरण है ये प्रकरण त्रस जीवों के घात से होने वाली जो हिंसा है उस हिंसा की निवृत्ति स्वरूप है, उसका त्याग कीजिए। फिर कह रहे हैं कैसी होती है हिंसा, हिंसा कैसी होती है, तो ये कह रहे हैं विशिष्ट रागादि रूपा, जिसमें पढ़ लिया था ना ऊपर वाली लाइन है, जिसमें विशेष राग भाव हुआ है ऐसे स्वरूप वाली। ये हिंसा किस प्रकार की होती है, क्या कैसे स्वरूप वाली होती है, ये कह रहे हैं यहां पर विशेष राग भाव वाली होती है, विशेष प्रकार के राग स्वरूप वाली होती है। क्या यदि अधिक राग न होता तो ऐसी निंद्य वस्तु किस लिए ग्रहण करता, बोलो। यदि यदि इसको राग भाव नहीं होता, विशेष प्रकार का राग भाव आपका नहीं देखा जाता, तो फिर इसका सेवन किस लिए करता। किसी वस्तु की निंदा कर दिए जाने पर भी, किसी की बुराई कर दिए जाने पर भी आप उसका सेवन कर रहे हैं, इसका मतलब वो तीव्र राग के बिना नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति के बारे में बहुत बात ऐसी कह दी गई हो कि भैया ये तो चोर है, ये तो बदमाश है, और उसके बावजूद भी उन्हें आप अपने जॉब पर रख रहे हो, नौकरी पर रख रहे हो, सर्वेंट रख रहे हो, नियुक्ति कर रहे हो आप उसकी, तो फिर क्या होगा, क्या कहेंगे बोलो लोग, यार कुछ ना कुछ इनका इनके साथ में कुछ खास है, यही कहेंगे ना। इसका मतलब किसी व्यक्ति के अपराध को प्रकट हो जाने के बाद आप उसकी नई नियुक्ति कर रहे हो, इसका मतलब राग की विशेषता है। जैसे अभी पता आगे चल करके अरे ऐसे ऐसे प्रकरण आएंगे, आपको लगेगा जली हुई रोटी, कच्ची रोटी क्या अभक्ष्य है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मैंने इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के ऊपर व्याख्यान किए थे सन 1998-99 में, टोडरमल जी के मंदिर में चलाया था ये आद्योपांत, 1998-99 की बात है। परीक्षा भी ली थी, परीक्षा दिलवाई थी हमारे सभा में बैठने वाले लोगों को सबको, मुझे वो प्रकरण वहां का ध्यान है उस समय का। कच्ची रोटी खाना अभक्ष्य, जली हुई रोटी खाना अभक्ष्य, ऐसी ऐसी चलित रस अभक्ष्य, रस बदल गया उसका और आप खा रहे हो, ये सारे प्रकरण चरणानुयोग के प्रकरण है, आचरण प्रधान ये ग्रंथ है, और उनके कारण सहित विवेचन और व्याख्याएं अमृत चंद्राचार्य करेंगे और टोडरमल जी भी उनकी व्याख्या करेंगे। मुझे मालूम है अभी फिर प्रश्न खड़े कर दोगे आप लोग कि साहब कच्ची रोटी में क्या दोष है, मैं साहब थोड़ी सी ज्यादा जली हुई जल गई तो क्या हो गया उसमें, उसके खाने में क्या दोष है। तो फिर मैं यही जवाब दूंगा कि अभी नहीं, जब अमृत चंद्राचार्य कहेंगे तब सुनना। देखो क्या कह रहे, क्या बात हो गई यहां, जिसमें विशेष राग भाव हुआ है ऐसे स्वरूप वाली, यदि अधिक राग न होता तो ऐसी निंदे वस्तु किस लिए ग्रहण करता। अतः जहां अधिक राग भाव हुआ वही हिंसा है, बस राग की तीव्रता का नाम हिंसा है, राग की अधिकता का नाम हिंसा है,
राग बहुत ज्यादा हो गया हो उसका नाम ही हिंसा है। हमने आपको पहले भी कही थी ये बात, राग भाव हिंसा का जन्मदाता होता है। रागादि भाव निवारिते हिंसा ने भावित अवतरी, ऐसा दौलत राम जी का वचन है ना, द्रव्य हिंसा का त्याग करो, भाव हिंसा का त्याग करो, ये रागादि भाव आपको अत्यधिक हिंसा प्रदान करने वाले हैं। तो रागादि भाव हुआ वही हिंसा है। जैसे किसी ने हरी वस्तु नहीं खाई, हरी वस्तु का त्याग कर दिया, ये साहब त्याग है साहब, हमारे हरी खाने के त्याग है साहब, आज अष्टमी है हमारे हरी खाने का त्याग है, आज चतुर्दशी है हमारे हरी खाने का त्याग है, अब कर लिया आपने त्याग, परंतु उस वस्तु में राग भाव के सद्भाव के कारण, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, राग भाव तीव्र है उसके कारण उसे सुखाकर खाया। यदि राग न हो तो किस लिए ऐसा प्रयास करे, मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी कह रहे हैं, मैंने देखे हैं ऐसे दृश्य, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हरी सब्जी खाने वाले देखे हैं लोग। अरे खाने वाले तो सभी खाते हैं, लोग दुनिया भर में सब लोग खा रहे हैं हरी सब्जी। मैं तो कह रहा हूं जिन्होंने हरी सब्जी का त्याग कर दिया हो, क्या कह रहे हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन जो लोग हरी सब्जी नहीं खाते हो ना, उन लोगों को मैंने सूखी हुई हरी सब्जी खाते हुए देखा है, सुखा करके खाते हुए देखा है, पहले दिन की चौंक करके खाते हुए देखा है। ये टोडरमल जी निषेध कर रहे हैं यहां पर। आपने यदि हरी हरी चीज का त्याग किया है, आज चतुर्दशी है हरी नहीं खानी है मान लीजिए, तो पहले दिन की बनी हुई मिर्च, हरी मिर्च चौंकी हुई, वो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? विशेष राग है तो हिंसा है उसके अंदर, आपके उसका त्याग नहीं हुआ सच्चे अर्थों में हरित काय का। यदि यदि राग न हो, बोलो, परंतु उस वस्तु में राग भाव के सद्भाव के कारण उसे सुखा कर खाया। यदि राग न हो तो किस लिए ऐसा प्रयास करें, विशेष राग भाव दिखाई दे रहा है इसलिए सुखा सुखा करके खाने की बात कर रहा है। जब हमने आलू की बात कही तो आप कह रहे हो सुखा करके खा लेते, जब हमने किसी और चीज की बात कही तो कहते सूख करके खा लेते, जब हमने पंचोदंबर फलों की बात कही तो ये कहता है साहब जब उसमें जीव नहीं हो तब तो खा ले ना, कैसी बात कर रहा है, मतलब घुमा फिरा करके तेरे को उस वस्तु को खाने का राग क्यों दौड़ रहा है। इन पांच प्रकार के उदंबर फलों में सबसे ज्यादा रिस्की और खतरनाक तो मुझे फिग लग रहा है, जिसे पाकर फल कहा गया है, अंजीर जिसे कहते हैं, इसलिए ज्यादा खतरनाक लग रहा है कि जगह जगह प्रोडक्ट्स में वो यूज हो रहा है। और आज जैसा कि अभी दो चार दिन पहले भी बात हुई थी, हल्दीराम के मिठाई सेंटर पर भी वो इसकी अंजीर की मिठाई मिल रही है, मार्केट में मिल रही है, जैनियों के शादी विवाह में हो रही है। आप लोगों के घर में यदि कहीं कोई शादी विवाह का आयोजन होवे और आपको हलवाई यदि ये बात कहे कि साहब ये तो वो ड्राई फ्रूट्स होता है अंजीर, तो क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा होता है, उसकी जबरदस्त मिठाई बनती है, स्पष्ट रूप से निषेध कर देना, जैनियों के यहां बनने और खाने योग्य नहीं है। और जहां भी जाकर के आप भोजन कर रहे हो, अनजान यदि आपको मिठाई दिखाई दे रही है, शक्ल तो ऐसी होगी, एक जैसी होगी शक्ल, शक्ल देखने में तो फर्क नहीं नजर आएगा आपको। मैं आपको सच बात कह रहा हूं, दिल की बात कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं बात, नॉनवेज होटलों में आप यदि मांस को देखेंगे जिस शेप में रखा हुआ, आप फील नहीं कर पाएंगे कि यह मांस है, मिठाई समझ करके खा जाएंगे आप, जिसका निषेध मैं परसों कर चुका हूं मांसाहार के त्याग। मांस होता है ना मांस, उस मांस को किसी के शरीर के पार्ट को इस तरह से पीस बना करके, इस तरह की सफाई करके, इस तरह से धो करके, इस तरह से फ्रेश बना करके रखा जाता है सामने कि आपको वो लगेगा कि ये तो इसमें तो क्या है, तो अच्छा दिख रहा है, टमाटर जैसा दिखाई देगा आपको, आपको ये जैसा लगेगा, आपको तरबूज जैसा दिखाई देगा आपको। तरबूज में क्या दोष है, एक तो बड़े फल होने की अपेक्षा से बात करते हैं, दूसरा जो तरबूज जो दिखाई देता है उस तरबूज की शेप का आपको मांस के टुकड़े बिल्कुल तरबूज जैसे सेम टू सेम आपको नॉन वेज होटलों में रेस्टोरेंटों में दिख जाएंगे। कभी एक बार चक्कर लगा करके आओ
अब आप कहेंगे साहब ये कैसी खोटी खोटी बातें बता रहे हो आप, होटल में चक्कर लगा, इसलिए चक्कर लगा करके आओ, आपका एक बार का चक्कर और जीवन भर के लिए आंख उठा करके आप उसकी तरफ नहीं देखेंगे। इसलिए कह रहा हूं, किसी चीज को जब अपनी आंखों से देख लिया जाता है ना, तो फिर आंखों देख के मक्की नहीं निकली जाती है, ये प्रसिद्ध कहावत है जगत में। मैं द्विदल के संदर्भ में कई बार इस तरह की बात कहता हूं, अपने आंखों से प्रैक्टिकल करके देख लो, जीवन में आप कभी दोबारा खा नहीं पाओगे। लार बनाना अच्छी सी, दही बेसन मिले 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 हुई चीज के अंदर अच्छे से लार बननी चाहिए मुंह में, और वो अच्छी सी लार को फिर थूकना उसमें, 10 मिनट के अंदर अंदर, 8 मिनट के अंदर अंदर आपको लटें तड़पती हुई नजर आएगी। बोलो ऐसा है, अंजीर से खून बढ़ता है, ऐसा कह रहे हैं भाई साहब, खून बढ़ता है तो मांस बराबर हो गया ना, खून पीने जैसा हो गया ना वो, क्या कहें। प्रश्न उठाया बहुत सुंदर टोडरमल जी का प्रश्न है, और टोडरमल जी की वही तार्किक शैली नजर आ रही है जैसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नजर आई। प्रश्न में, यदि सूखी हुई वस्तु में दोष है तो अन्न क्यों खाते हो? यार गजब कर रहे टोडरमल जी, क्या प्रश्न उठा दिया है। यदि यदि सुखा करके खाने में दोष है, मान लीजिए ये सब खाते हैं ना, क्या कौन सा पुदीना वगैरह और ये पत्तियां आती है इस तरह की, सुखा लेते हैं, पुदीना सुखा लिया, अब वो पुदीना पाउडर हो गया, वो धनिया है, धनिया सूख गया, धनिया के वो बन गए और वो उसको पीस लिया आपने, तो ये सब सूखा धनिया खाते हैं, और सारी जितने भी ये सूखे मसाले वगैरह होते हैं ये सब ग्रीनरी तो है ही ना, जितने भी मसाले होते हैं ये सब वनस्पति है, भले वो सूखे हुए होने के बाद में, मतलब वो जो सूखी हुई जो चीज है वो आपके हरित काय के अंतर्गत नहीं आएगी, लेकिन गेहूं, गेहूं हरित काय नहीं था क्या, बताओ मुझे, गेहूं कहां लगा है, गेहूं तो वही है ना, दालें जो है, ये जो है आपके जो भी चीज है क्या नाम, काली मिर्च है, तो काली मिर्च का पौधा लगा हुआ है ना, काली मिर्च का, और बाकायदा काली मिर्ची लगती है, फिर वो काली मिर्ची ग्रीन कलर की होती है बिल्कुल, हमने देखी, कहाँ देखी थी अपने, केरला में हमने वहां उनके बगीचों में बागों में वो देखी, ऐसी काली मिर्चियां, इसी तरह के और भी सूखे मसाले, जैसे लाल मिर्च है, अब सूखी हुई तो पहले हरी मिर्च होती है, फिर वो लाल हो जाती है, हरी लाल होती है ना, तो हरी मिर्च लाल में कन्वर्ट हो गई, फिर लाल होकर के फिर वो सूख गई, अब सूख करके वो सूखा मसाला हो गया आपका, तो था तो वो वहीं से, जन्म तो वहीं से हुआ है। अब टोडरमल जी प्रश्न कह रहे हैं कि भाई साहब आपने यहाँ सूखे खाने के लिए मना कर दिया, हमें एक बात बतला दीजिए, अनाज क्यों खाते हो आप, अन्न क्यों खाते हो, वो भी तो सूखा हुआ है, सूखा हुआ अन्न भी तो खाते हो आप। उत्तर, अन्न निंदे नहीं है, हम क्या बताएं आपको, अन्न जो है ये निंदे नहीं है, तथा वह तो राग भाव के बिना सहज प्रवृत्ति से सूखता है, आप सुखाते थोड़ी ना हो गेहूं को, हाँ धो करके सुखाते हो वो अलग मैटर है, लेकिन आप उसको राग से थोड़ी ना सुखाते हो, इसको तो आपने खाने के लिए सुखाने की सोच रहे हो, उसका भक्षण भी साधारण पेट भरने के निमित्त किया जाता है, अन्न का भक्षण, अन्न की चीजें, अन्न का भक्षण क्यों कर रहा है व्यक्ति, साधारण कर रहा है, साधारण पेट भरने के लिए कर रहा है, अतः कुछ विशेष राग होने का कारण नहीं है, यहाँ तो विशेष रूप से राग भाव का होना ही हिंसा है, ऐसा बताया गया है। अने यहाँ इस प्रकरण में जो चर्चा चल रही है ये विशेष राग भाव के निषेध के लिए की जा रही है। अब देखिए कथन का संकोच कर रहे हैं, और संकोच करते हुए अंतिम वाक्य के आधार पर मैंने हेडिंग दे दी है प्रवचन की, इनके त्याग के बिना श्रावक बना संभव नहीं है, अंतिम वाक्य है इसका, ये जो प्रकरण है ना, इनका त्याग किए बिना श्रावक नहीं होता, ये अष्ट मूल गुणों का पालन, मैंने आपको 5-7 दिन पहले भी जब ये प्रकरण प्रारंभ किया था तो आपका ध्यान आकर्षित किया था, 8 वर्ष की उम्र में अष्ट मूल गुणों का पालन कराया जाता है बच्चे को, 8 वर्ष की उम्र तक के लिए, जन्म होने के बाद 40 दिन के बच्चे को पहली बार मंदिर ले जाकर अच्छा दिन देख करके, एक आध दिन आगे पीछे 40-42 दिन का हो गया ना, अब उसे मंदिर ले जाते हैं, अब जिस दिन मंदिर लेकर के गए वहां तब जाकर के वो जैन बना है,
उससे पहले जैन नहीं था वो। फिर कान में नमोकार मंत्र सुनाया जाता है, चत्तारी मंगल पाठ आदि सुनाए जाते हैं। फिर उसके बाद में उस बालक को सारे घर के परिवार लोगों की उपस्थिति में अष्ट मूल गुणों का पालन कराया करने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। पांच उदंबर फल और मध्यमांस मधु का त्याग कराया जाता है। इन आठ का त्याग 8 वर्ष की उम्र तक कराया जाता है और जिम्मेदारी दी जाती है माता पिता को कि अब ये जैन है और इनके इन अष्ट मूल गुणों के पालन की जिम्मेदारी आपकी है 8 वर्ष की उम्र तक। और जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाए उसके बाद में आप फ्री नहीं हो गए हैं। 8 वर्ष का हुआ, थोड़ा समझदार हुआ, तब उसको उसके जन्मदिन के दिन वापस याद करा दो कि बेटा देख ऐसा ऐसा हमने निभाया है तेरे साथ में और अब तेरी जिम्मेदारी है, हम भी ध्यान रखेंगे और तू भी ध्यान रखना। इन चीजों का सेवन अपने को जीवन पर्यंत नहीं करना है। और फिर मैंने कही थी प्रतिवर्ष उसको याद कराते चले जाइए आप। इस तरह से इस कथन का संकोच करते हैं। 105 नंबर पेज 74 नंबर का श्लोक। अष्टावरिष्ठ दूसर दुरितायत नान्य मुनि परिवर्ज्य जिन धर्म देश नाया भवंति पात्राणि शोध दिय है। अन्वयार्थ, अनिष्ट दुस्तर दुरिताय तनानी दुखदायक दुस्तर और पाप के स्थान, अमूनि अष्टौ ऐसे 8 पदार्थों का परिवर्ज्य परित्याग करके शुद्ध दिय निर्मल बुद्धि वाले पुरुष जिन धर्म देशनाया जैन धर्म के उपदेश के पात्राणी भवंती पात्र होते हैं वो। सोचो भैया, सोचो जरा गंभीरता से, इन 8 वस्तुओं के त्याग के बिना कोई जीव निर्मल बुद्धि वाला नहीं होता। इन 8 वस्तुओं के त्याग के बिना जैन धर्म के उपदेश का पात्र नहीं होता। जब कभी हम इस तरह की बातें कह देते हैं तो कई समझदार लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं, अरे पंडित जी कैसी बात करते हो, शेर के जीव ने तो मांस खाते खाते, और फिर वो मुनिराज आ गए थे ऊपर से आसमान से उतर करके। भगवान महावीर स्वामी 10 भाव पहले की बात कर रहे हैं, जंगल में था शेर की अवस्था में, 2 मुनिराज आसमान से उतरते हुए चले आए और फिर उपदेश देना शुरू कर दिया उसको। मुनिराज ने पहले ये नहीं कहा कि हे सिंह पहले हाथ धो करके आ, पहले कुल्ला करके आ, पहले तू मांस का त्याग कर, डायरेक्ट उपदेश देना शुरू कर दिया। सुनो, चल ग्रहण नहीं करना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई होगी उसको मांस खाते खाते। मांस के त्याग के बिना सम्यक दर्शन संभव नहीं है। आप बाहर में फोटोग्राफी देख रहे हो, आप बाहर में वीडियो रिकॉर्डिंग करके देख रहे हो, लेकिन वस्तु स्थिति यह है, सच्चाई यह है, वास्तविकता यह है इसके अंदर कि उसके अंतरंग परिणामों में उसका त्याग हो गया है। जब तक इनका त्याग नहीं होगा तब तक जिनवाणी सुनने का पात्र नहीं है। इसलिए भैया पात्रता डेवलप करो अपने अंदर में, अपनी भूमिका को बढ़ाओ। और ये पात्र बनने की कह रहे हैं, जैन धर्म के उपदेश के पात्र कौन होते हैं, ये बात इसलिए भी कह रहे हैं शायद, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है अमृत चंद्राचार्य शायद इसलिए भी उपदेश दे रहे हैं कि म्लेच्छ जीव उपदेश के पात्र नहीं है। ये बात शायद हम आप जैसे लोगों की समझदारी के लिए कह रहे हैं कि दुकान पर बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति को उपदेश देने मत लग जाना। किसी भी व्यक्ति को देखा आपने कहीं भी और उपदेश देना शुरू कर दिया आपने कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जिन धर्म का उपदेश है ये पात्र जीवों को ही दिया जाने योग्य है। जब तक किसी जीव में पात्रता न होवे तब तक आप उस जीव को जबरदस्ती पिलाने की चेष्टा मत करो। ये जैन धर्म का मार्ग ये जबरन पिलाने का मार्ग नहीं है, जबरदस्ती से पिलाने का मार्ग नहीं है। अंदर में रुचि हो तो उत्साह से सुनो, बाकी पढ़े रहो सोते रहो, हमें क्या लेना देना है।
बैठे बैठे भी सोते, हम क्या करें? अंदर में तुम्हारे में पात्रता होगी। सच कहते हैं, दादा कहते हैं ऐसी बात, आप यदि तत्व सुनने के लिए तैयार हैं तो हम आधी रात को भी आपके साथ में तत्व चर्चा करने के लिए बैठे रहने को तैयार हैं। क्या जो चाहो अपनो कल्याण, लेकिन यदि आप तत्व से दूर हैं तो फिर हमारे पास में व्यर्थ की चर्चा करने के लिए आपके पास में 2 मिनट का भी समय नहीं आपके लिए। हम व्यर्थ की बात नहीं करेंगे। देखिए जरा, पात्राणी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, गजब शब्दों के प्रयोग किए हैं भाई साहब। शब्दों का चयन कितना सुंदर होता है आचार्यों का। टीका पढ़ता हूं सीधा, समय सीमित जान करके। अन्वयार्थ पढ़ चुके हैं, अनिष्ट दुस्तर दुरित आयतनानी अमूनी अष्टौ परिवर्ज्य शुद्ध धीर जिन धर्म देश नायः पात्राणी भवंती। जिन धर्म देश नायः पात्राणी भवंती, संस्कृत समझ में आती है थोड़ी बहुत बेटा? जिन धर्म देशनाया पात्राणी भवंती, जिन धर्म की देशना के पात्र जीव होते हैं। उमाकांत जी साहब, जिन धर्म की देशना के पात्र जीवों के लिए कह रहे हैं, महा दुखदायक और सुगमता से जिसका पार न पाया जा सके, दुखदायक है, सरलता से पार नहीं पाया जा सकता है, ऐसे महापाप के स्थान। ओ भैया, ये महापाप के स्थान है। इन 8 वस्तुओं के खाने से महापाप उत्पन्न होता है। पाप नहीं होता, महापाप कह रहे हैं। पाप तो छोटा शब्द है, ये महापाप है। राग भाव की वृद्धता भी यहाँ विशेष रूप से होती है, उत्पन्न होता है, महापाप उत्पन्न होता है। अतः इन्हें सर्वथा छोड़कर, पूरी तरह से इन्हें छोड़कर निर्मल बुद्धि वाला होता हुआ जैन धर्म के उपदेश का पात्र होता है। इनका त्याग करेगा तो बुद्धि निर्मल होगी। ये एक बात और मार्मिक कहता हूं, देखो, इनके त्याग के बिना बुद्धि निर्मल नहीं होती। ये उपदेश है यहां पर। आपने यदि इनका त्याग नहीं किया है ना, तो आपकी बुद्धि निर्मल नहीं होगी। आपको आपकी बुद्धि की निर्मलता के लिए इनका त्याग करना ही पड़ेगा। इनके इन्हें सर्वथा छोड़कर निर्मल बुद्धि वाला होता हुआ, सर्वथा इनका छोड़ दे, इनका त्याग कर दे, जैन धर्म के उपदेश का पात्र होता है। इसलिए मैं तो अपेक्षा रखता हूं हमारे श्रोताओं से, हमारी सभा में, कि हमें अष्टमूल गुणों का पालन करने की प्रतिज्ञा जीवन पर्यंत के लिए ले लेनी चाहिए। लेकिन वही बात ध्यान रखना, प्रतिज्ञा लेने संबंधी नियमों को रख करके ध्यान रखना। बोले किसी दवाई के अंदर यदि कहीं कोई चीज मिली हुई हो और हमें पता नहीं हो तो तदनुसार छूट रही, जो भी जैसी हो कंडीशन आगे पीछे की देख करके। अंतिम 3 लाइनें पढ़ करके संपन्न करेंगे अपन बात को। प्रथम इनका त्याग करें, सबसे पहले इन चीज का त्याग करें, तत्पश्चात ही कोई अन्य उपदेश दिया जाए। इसलिए आचार्य भी यही काम करवाते हैं। और इनके त्याग करने का विधान बतलाएंगे अभी नीचे चल करके, इनका त्याग किस तरह से करना। यहां तो कह दिया इन्होंने इनका त्याग करो, लेकिन त्याग करें कैसे, त्याग करने की विधि क्या है, त्याग करने की प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया बतलाएंगे। प्रथम इनका त्याग करें, तत्पश्चात ही कोई अन्य उपदेश दिया जाए, जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता। ओहो, जमीन में जड़ है, उसके बिना वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही इनका त्याग किए बिना श्रावक नहीं होता। इसलिए इनका नाम मूल मूल गुण है। मूल गुण क्यों है भैया, इनका नाम मूल क्यों है? मूल माने होता है जड़, कंद मूल, मूल माने जड़, जो जड़ सही जड़ में पैदा होते हैं, नीचे उल्टे पैदा होते हैं जड़ में। आलू होता है ना, आलू ये तो ऊपर नहीं लगते, ऊपर तो पेड़ है और जमीन में नीचे जड़ में लगते हैं। तो मूल में जो पैदा होते हैं, कंद में जो पैदा होते हैं, वे जमी कंद कहलाते हैं, कंद मूल कहलाते हैं। तो मूल माने होता है जड़। और मूल गुण, जो गुण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, किसी पद के विशिष्ट पोजीशन में जो बेस रूप हो, जड़ रूप हो, उनका नाम है मूल गुण। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, वैसे ही इनका त्याग किए बिना श्रावक नहीं होता। इनके बिना श्रावक संज्ञा नहीं होती। हम कहते हैं ना अपने आप को श्रावक, हम श्रावक हैं भाई साहब,
हम श्रावक हैं भाई साहब, इनके बिना श्रावक नहीं होता। इसी कारण इनका नाम मूल गुण है। इस तरह से इन मूल गुणों को जानकर सर्वप्रथम इनका त्याग करके अपने को अपनी श्रावक संज्ञा को सार्थक करना चाहिए। हम सभी अपनी श्रावक संज्ञा को सार्थक करें, श्रद्धा पूर्वक विवेक से और इन क्रियाओं का पालन करें। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, और आपको ये सूत्र तो पहला ध्यान रखना है, तत्रादौ सम्यक्त्वम्, तत्रादौ सम्यक्त्वम् समुपाश्रयणीय अखिल यत्नेन, ये सूत्र पहले कहा जा चुका था भैया। ये सारे आचरण को पालने के पहले सबसे पहले सम्यक दर्शन को विशेष प्रकार के प्रयत्न पूर्वक अंगीकार करो। धर्म की शुरुआत तो वहां से होगी और फिर उसके पश्चात धीरे धीरे अपने जीवन को परिष्कृत करते चले जाओ और निर्मल करते चले जाओ। हम सभी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक इन समस्त बातों का पालन अपने जीवन में कर पाए, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।